सो हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग गॉलिप बोर्ड का सीजिल टियर वन का लाइव मॉक अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो कि 6 अप्रैल से 7 अप्रैल तक ही अवेलेबल है, 7 बजे तक, कल शाम तक. सो लेट्स बिगिन. मैं हमेशा इंग्लिश से ही स्टार्ट करती हूँ, तो आई विल स्टार्ट विद इंग्लिश. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है. रिसीव, एबॉलिश, अप्रूव, सबमिट. रिसीव में आई थिंक आर ई सी ई आई वी होता है. सो ये साइनोनिम बताना है. कैंडिस वॉज अडामेंट दैट शी वुड नेवर गो आउट विद पॉल अगेन. अडामेंट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा थ्रन स्ट्रिक्ट टाइप का. तो शाय, सेल्फिश, स्टबन, एक्साइटेड, स्टबन. ए ए डी डी, ए से देखते हैं. ऑल्सो, ऑल्सो से तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए. डी से देखते हैं. द बेस्ट वे टू वॉश वेटेड ब्लैंकेट इज टू गेट अ रिमूवेबल कवर फॉर इट. ओके, देन डी के बाद लास्ट ऑप्शन में सी देखते हैं. देन यू विल हैव टू वॉश दैट इंस्टेड ऑफ ब्लैंकेट इटसेल्फ. ओके, बी, अवॉइड टॉसिंग इट इनटू एवरी स्टेन और ब्लेमिश. स्पॉट क्लीन वेन एवर पॉसिबल. ऑल्सो ने वो, ये बिल्कुल सही. डी सी बी ए. ए ए, अब ए से ही स्टार्ट होगा. इट इज 50 मिनट्स into an hour long meeting. Okay. फिर C, B, C, D. तो C देखते हैं. The final agenda item has been resolved and it is clear that we will be wrapping up early. Okay. A, C के बाद B. But I cringe bracing for the line that I knew, that I know is coming. I am going to give you 10 minutes of your life back. D, others may be pleased by this turn of events. ये क्या है भाई? A के बाद सी होगा, फिर फाइनल एजेंडा. आई थिंक पहला ही वाला ऑप्शन है, मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ इसको. टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑब्फस्केट, एमिलोरेट, एब्रीवेट और एलिवेट तो नहीं होगा. ऑब्फस्केट या एमिलोरेट में से कोई होगा. मैं ऑब्फस्केट लगाऊंगी, फिर मैं बाद में आऊंगी इसको चेक करने. लैंडलॉर्ड्स आर सो स्टिंगी दैट दे रिफ्यूज टू पे फॉर द न्यू कार्पेट्स. जेनरस का वो बताना है. रिफ्यूज पे न्यू स्टिंगी. जेनरस मतलब बहुत ही काइंड टाइप का है. या सो लैंड सो स्टिंगी, आई थिंक स्टिंगी होगा इसका. बैन, बैन का सैनोनिम बताना. सपोर्ट, फॉरबिड, इनकरेज, फॉरबिड करना. द पुलिस एस्कॉर्टेड द एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट. द पुलिस एस्कॉर्टेड द एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट. एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट यही होगा. शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू द बीच पार्टी विच विल बी हेल्ड यूजली विच विल बी शी इज़ लुकिंग फॉर द बीच पार्टी विच विल बी हेल्ड वीकली ईयरली टुमारो. एडवर्ब ऑफ टाइम बताना है. शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू द बीच पार्टी विच विल बी हेल्ड वीकली विच विल बी हेल्ड ऑलवेज तो नहीं होगा. टुमारो विच विल बी हेल्ड टुमारो विच विल बी हेल्ड वीकली ईयरली हेल्ड वीकली आई थिंक टुमारो ही होगा इसका. द एथलीट डिसाइडेड टू थ्रो इन द बैग आफ्टर ही इंजर्ड हिज एंकल ड्यूरिंग द रेस. द एथलीट डिसाइडेड टू थ्रो इन द बैग, थ्रो इन द क्लॉथ. ये कोई इडियम है शायद से, मुझे इसका मतलब नहीं पता, मैं बाद में देखूंगी. द अमाउंट ऑफ मनी इज इनफ, दिस अमाउंट ऑफ मनी इज इनफ फॉर माई सर्वाइवल इन दैट कंट्री. दिस अमाउंट ऑफ मनी इज इनफ फॉर माई सर्वाइवल इन दैट कंट्री. For my survival, this amount of money is enough. For my survival in that country. ये तो कोई इसमें एरर दे. This amount of money is enough for my survival in that country. No error लगाते हैं अभी. Had she seen you, she would stop to say hello to you. Had she seen you. Had she seen. यही कुछ गड़बड़ है. शी वुड स्टॉप टू से हेलो टू यू. नो स्पेलिंग एरर्स. कंपनी स्टिल इन इट्स नेसेंट स्टेज विद प्लान्स फॉर एक्सपेंशन. द नेसेंट गलत. रिलेशनशिप नेसेंट के स्पेलिंग पहला ही वाला ही सही है. पुटिंग डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग. यूथनेशिया बोलते हैं इसको. Describe how you will tell your friend that the concert will be attended by many music lover in activist voice. Many music lovers will attend the concert. The van will have arrived at the port. Passive mein badalna hai. What shall have been the port at port the van will have been arrived. The port will have the port. Ye dusra to galat hai. The port shall have been arriving. Will have been.
The boat will have been arrived at by the van. Been arrived at by the van. चाहिए. Take it with a pinch of salt. Take something very seriously. Not completely believing something. Ignore the bad days. I think take. I think some यही होगा इसका. Books are our best friends. Books are our best friends, guides and philosophers. Books uphold and encourage us when we feel sad and despondent. They bring light into darkness and sunshine into shadow. Rain to hoga nahi and sunshine hi hoga, and sunshine into shadow. When you read a book, it feels great to put yourself into a word, and writer has created what the writer has created for you. The dash of the habit of reading is a good contact tip. Several renowned speakers will be giving presentation at the conference next week. The ointment helped heal. HEAL hota hai. The manager's thorough and meticulous report provided a comprehensive systematic general awareness. Prithvi Shekhar kaun se sports se related hai. Tartaric acid ka formula batana hai. COO tartaric acid ka formula kya hota hai. Tartaric acid nahi aata mujhe. Servants of the people ye banaya tha Gopal Krishna Gokhale ne. एशियाज़ लार्जेस्ट एविएशन इवेंट विंग्स बेगमपेट एयरपोर्ट इन है. बेगमपेट एयरपोर्ट तो हैदराबाद में ही है, तो इसका आंसर हैदराबाद होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ये मुझे आता ही नहीं है. हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन 69th फिल्म फेयर अवार्ड. बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला आलिया भट्ट को ही. नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर. श्योक, गिलगित, हुंजा. धनसारी तो उसकी है, ब्रह्मपुत्र की है धनसरी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड. मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस कोएसिव फोर्स बोलते हैं इसको. विच इन 1820 हु फाउंडेड इलेक्ट्रिक करंट कैन कॉज नियर बाय मैग्नेट टू मूव एंड डस्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ये शायद हेनरी ऑरेस्टेड ने ही बनाया था. Celebrating second day of Shravan month, which falls July, August. Minjar is the most popular fairs in Minjar. ये नहीं पता मुझे. Which of the following article gives power of precedent to consult Supreme Court? तो ये 143 है. 140 या 143 में से कोई एक है, मैं बाद में इसमें देखती हूँ. Territory is the highest, union territory सबसे ज़्यादा literacy rate है, तो I think लक्षद्वीप थी ये. Union territories are described under dash of constitution. 51A तो नहीं है, because 324 to 329A भी नहीं है. डाउट है मुझे. हु वॉज अ सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश, तो रजिया बेगम थी. टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम से रिलेटेड है. फाइव बाद में देखते हैं. इंडिया ऑक्यूपाइज डैश परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड एरिया इन द वर्ल्ड. आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मोशंस एंड देयर एग्जाम्पल. रॉन्ग पेयर पीरियोडिक मोशन, अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सेस, रेक्टिलिनियर, स्टोन थ्रोन, ये तो सही है. रोटेशन, ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल, ये पीरियोडिक मोशन तो ये अर्थ रोटेटिंग ऑन एक्सेस. ऑसिलेटरी, बोट टॉसिंग अप डाउन द रिवर. Which of the following is not correct about periodic table? The size or the atomic radius of the elements decreases from left to right in a period. Left से right पे decrease करती है. Value of ionization potential increases from left to right. Period से left से right, यानी इधर से इधर जाने में period. अगर मैं ऐसे देखूं, ये हीलियम है, पे ब क ओ, ये होता है, ये मेरा पहला पीरियड
सेकेंड पीरियड है, तो अगर देखा जाए तो क्या ये लिथियम द साइज ऑफ द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? नहीं, डिक्रीज तो नहीं करता है, तो इंक्रीज ही करेगा, तो पहले ही गलत लग रहा है. इन पीरियड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है क्या? हाँ ये तो सही है, पहला तो, तीसरा तो सही है, अरेंज पोटेंशियल भी इंक्रीज करता, तो आई थिंक पहला ही गलत है, बिकॉज एटॉमिक रेडियस तो यार इंक्रीज करेगा ना, डिक्रीज कहाँ कर रहा है, बिकॉज लिथियम का 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं सॉरी 1, 2 इसका लिथियम का 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो एक तरीके से इंक्रीज ही तो हो रहा है एटॉमिक रेडियस, तो ये पहला तो गलत है. Who among the following is known for her efforts to fuse Kathak tap dance? तो ये मुझे नहीं पता, आई थिंक इंद्राणी कथक है, तो इंद्राणी रहमान लग रहा है. हाँ अब ये देखते हैं, लू जो है, सबसे पहले लू तो पंजाब से बिहार में चलती है, तो यानी फोर्थ का तो बी होगा, फोर्थ का भी एक ही ऑप्शन में है. मैंगो शावर चेक कर लेते हैं, मैंगो शावर केरला, बिल्कुल सही जवाब है. नॉर्थ वेस्टर्स जो है वो भी केरला में, और ब्लॉशम सावर जो है वो आंध्र प्रदेश, तो लास्ट का फोर्थ का तो बी था, तो नेक्स्ट करते हैं. विच रूलर वॉज डिफीटेड बाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लासी? सिराजुद्दौला को हराया था ब्रिटिशर्स ने. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर अभी मैंने देखा था 8 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, जिसका एटॉमिक मास जो होता है वो 16 होता है. मैक्सिमम एज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मैक्सिमम आई थिंक 21 और 60 है, या 18 या 40 है, आई थिंक 21 और 60 है. इन जनवरी स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेशन मून स्लिम स्पेस क्राफ्ट, नहीं पता ये. क्विकली हम जनरल इंटेलिजेंस में आते हैं, 48 मिनट्स बचे हैं अभी. ओके सो स्टार्ट करते हैं. एम और आर क्या है भैया? एम इज़ द ब्रदर ऑफ आर, इसका भाई है. आर इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ वी, आर वी की डॉटर इन लॉ है. अच्छा तो मतलब इसका कोई हस्बैंड होगा, ठीक है. उसके वी जो है, वी कौन है ये नहीं पता मुझे. वी अभी देखते हैं, वी हाँ वी इज़ द मदर ऑफ जेड, वी इज़ द मदर ऑफ डब्लू, तो एक तरीके से ये मॉम हो गई, और आई थिंक ये डब्लू होगा, तो ये क्या हो गई, ये वाइफ होगी, तो ये हस्बैंड हो गया. डब्लू इज द डॉटर ऑफ डी, नहीं ये हस्बैंड नहीं है, इसका मतलब ये कोई है, और ये डी, ये डब्लू है. डब्लू इज द डॉटर, डब्लू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, ये डी की डॉटर इन लॉ है. एम इज द ब्रदर ऑफ डब्लू, बिल्कुल एम इज द ब्रदर ऑफ डब्लू नहीं. आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्लू, सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी होता है ना, हाँ. डी इज द मदर ऑफ एम, नहीं भाई, तो सेकेंड ही सही है सर. इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर, हाउ इज एच रिलेटेड टू पी इन एम इन्फिनिटी? एम और एच में क्या रिलेशन? एम इज द फादर ऑफ, एक सेकेंड, एम इज द फादर ऑफ, पी इज द फादर ऑफ एम्स डॉटर. पी एक तरीके से ये हुआ, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, और इनकी कोई डॉटर होगी, ठीक है. देन एम और एच, जस्ट अ सेकेंड, क्या ही बताऊँ. पी एम, सॉरी बड़ा कन्फ्यूजिंग है. एम इज द डॉटर ऑफ एच, एम इज द फादर ऑफ एच डॉटर, इसकी कोई डॉटर होगी, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ है, ठीक है. एच इज द वाइफ ऑफ आर्स फादर, एच इज द वाइफ ऑफ आर के पापा की वाइफ है, यानी आर उसका बेटा हुआ एक तरीके से, बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है.
R is the sister of N's brother. R is the sister of N's brother. R is the sister of N's brother. N का कोई bro होगा, ठीक. N is the brother of P's father. N is the brother of P के father का brother है. I think, sorry, ये कोई, ये शायद P है और इसके N is the brother of P's father. P के father something है. How is H related to P? H कैसे related है P से? तो एक तरीके से ग्रैंड मदर हुई उसकी. कितना टफ था भाई. एम डैश पी, तो ये शायद एम एन ओ पी एक्स है. तो एन होगा, एक्स होगा, फिर एम होगा, ओ होगा, पी एक्स, एम एन ओ पी एक्स, एम एन ओ पी एक्स, ये है. एम एक्स एम ओ, आखिरी में ओ एक्स आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, तो ये है लास्ट ऑप्शन. 746, 755, 760. अच्छा, ये ऑल्टरनेट पाँच पढ़ा, फिर इधर से पाँच किया, तो 751 प्लस 5 756 होता है. 751 प्लस 5, ये 5, प्लस 5 756. नेक्स्ट क्या बताना, पिक द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट बताना है ना. इधर क्या, फिर ये ऐसे आया. इधर क्या, बहुत डिफिकल्ट टाइप का है, बाद में आता है इस पर. 4561, इसे बाद में आते हैं. 4 का क्यूब प्लस 4, ठीक है. 4 का क्यूब माइनस 4, 9 का क्यूब माइनस 9, वैसे 11 का क्यूब 1331 माइनस 11, बिल्कुल. 512 माइनस 8 गलत, 125 माइनस 5, 120. How many in the position of how many letters will remain unchanged if the letters in library are arranged in L I B R A R Y alphabetically order ना. तो पहले तो A आएगा, फिर B आएगा, ठीक, ये हो गया. फिर क्या आएगा, फिर I आएगा, फिर L आएगा, फिर ये R आएगा, फिर ये R आएगा, फिर Y आएगा. तो कौन कौन सा position unchanged रहा है, तो ये तो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये और ये, दो दो दो. नेक्स्ट, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2, 216 प्लस 2, 11 का इसका 121 प्लस 2, वन पहला गलत, 16 प्लस 2, 64 प्लस 2, 66. हाँ, नेक्स्ट इसमें क्या नेक्स्ट बताना है. तो अगर मैं ये पतंग देखूं, तो ये गया, फिर इधर, फिर इधर, तो आई थिंक इधर होगा. तो पतंग तो सही है. अगर मैं एरो देखती हूँ, अप गया, फिर राइट गया, फिर डाउन गया, तो लेफ्ट जाएगा. एरो भी सही है, एरो में सारे में कॉमन है, पी क्यू आर एस होगा. तो एस किस में है, तो थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुका है. अब एस से ध्यान से देखना पड़ेगा, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर तो एस ऐसे ही होगा. तो एस जो है वो फोर्थ ऑप्शन ही लग रहा है मेरे को, फोर्थ ऑप्शन. एफ जी एच आई सी डी ई एफ एफ यू. नेक्स्ट जे के एल, एल से इस्ट एल होगा, फिर वाई जेड ए था, तो एस टी यू.
डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई, ईडन गार्डन्स कलकत्ता में है। 521 प्लस 60 और प्लस 80, 60 और 80 का डिफरेंस है। एट्टी भी सही है, 40 प्लस 60 सही है, ये यही वाला गलत है। नहीं रुकिए एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, कुछ और गड़बड़ है इसमें। फाइव एट्टी वन, फोर सिक्सटी वन, 120 प्लस का 60 है और फिर माइनस का 120 है, ऐसा कुछ है। तो 693 में तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, प्लस का 60 तो है और 753 माइनस 633 करेंगे, ये भी सही है। 408 प्लस 60 तो है, 348 468 माइनस करेंगे, ये भी सही है। 357 और 427 में, नहीं यही गलत है। नेक्स्ट जे ओ, जे ओ जे होता है, जे इज लाइक 10, 15 और 7, सी कितना होता है 3, 9 और 1, पी क्या होता है, पी होता है 16, 21 और 13, 23, 2 और 20। आई थिंक यही वाला गड़बड़ है कुछ, 391 वाला, हाँ यही ही गड़बड़ है। तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। एम्बेडेड बताना है हमको, पहले में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हमको, मेरे को पता नहीं क्यों दूसरे में ही दिख रहा है, ऐसे क्या। तो सेकंड ऑप्शन, एक सेकेंड, दूसरे में भी दिख रहा है और तीसरे में भी दिख रहा है क्या, वन सेकेंड, ऐसे गया, इधर गया, तीसरे में भी मुझे दिख रहा है, वेट अ मिनट, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस, आई थिंक तीसरा वाला ही होगा, थर्ड वन, E G A, आई थिंक ऐसे EGABB, तो ए EGABB, EGABB, EG, AEBBG, सेकंड ऑप्शन। 6, 6, 4, 4, 6 या 4 में कौन सा बड़ा है, INVOK है, IJK, 4, 4 बड़ा है, 4 के बाद क्या आना चाहिए, 6 और 2 में क्या आना चाहिए, IOD या INIONOP, तो 6 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा। मेरा रमेश बताना है, लास्ट तो एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, डब्लू क्यू के, यही थर्ड वाला है, तीन सौ पाँच, 338, 404, 503 डैश 800, थर्टी
33 33 तो फिर 33 4 जाओ तो कितना होगा, 33 4 जा होता है 4 3 12 132, 503 325 3 635. नेक्स्ट क्या कह रहा है, इक्वेशन करेक्ट बतानी है पहले. 159/3 + 65 - 15 × 2, 3 5 जा 3 जा 53 + 65 - 30, तो 65 करेंगे 5 3 8 8 8, पहला ही ऑप्शन सही है. नेक्स्ट, सम कैलिब्री आर वेरेंडा, कुछ कैलिब्री वेरेंडा है, सम वेरेंडा आर रोबो, सम रोबो आर एरियल. नो एरियल इज वेरेंडा, बिल्कुल गलत. हो भी सकता नहीं भी हो सकता, सम कैलिब्री इज रोबोट. कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है. राइट डाउन, वैसे ही ये अपो, ये इधर राइट डाउन हुआ, इधर है 3 27 64 होगा, तो थर्ड एलिमिनेट हो चुका है. फर्स्ट तो इन दोनों में से कोई एक है, स्टार ऊपर था फिर दो नीचे आए, तो ये यहाँ हुआ तो दो नीचे आएंगे, यानी इसका जो ऑप्शन होना चाहिए सेकंड होना चाहिए. हाँ विबग्योर, विबग्योर तो पहले वॉयलेट फिर आता है इंडिगो, 6 के बाद 5, फिर भी सही है. अब आते हैं हम लोग कॉन्ट्स पे, फिर हम बाद में इसमें आएंगे. इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 मीटर लेस देन एल माइनस बी 13 है, और 2 ब्रैकेट L + B जो है वो 318 है, तो 159 एल माइनस बी 13 है, तो क्या बताना है. L इज इक्वल टू 9 3 12 7 / 2, 2 8 6 86. नेक्स्ट, साइन स्क्वायर ए इतना है, तो 1 - tan² कितना, 1 - tan² + 1 - cot², तो एक तरीके से ये √7 √11 हुआ, तो 121 - 7 कितना होता है, 4 114. क्या बताना है, 1 - tan² है, तो 1 - 7 / 114 + 1 - cot² है, 114/7, 2 2 - 7/114, 1 2 - 7/114, 2 - 7/114, इसको मैं बाद में करती हूँ. जस्ट अ सेकेंड, बाद में करते हैं. इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 A² + 25 / A² + 2 × 3 × 5 = 18 / 2, तो 324 + 5 3 = 15 2 = 30 354.
द वैल्यू ऑफ दिस 4m² - 9n² - 4 = 12, 24mn, 4m² + 4n² + 8mn, m² - 4n² + 2 = 4mn। तो पहले तो 4 4 8, 8 - 1 7 m² - 9n² - 9 4 13n² - 4 - 13 - 4 = 9n² फिर क्या है, -12 mn। पर ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है कुछ, अब क्या गड़बड़ कर दिया। ये क्या था, इसका स्क्वायर करेंगे 4m² + 3 9n² - 3 6 12 mn + 4m² + 4n² + 4 2 8 mn। ठीक, फिर माइनस है, ये एक तरीके से मैं अगर नीचे लिख दूँ -m² - 4n² + 2 2 4 mn, तो 4m² - 8m² - -1 7m² फिर ये से कैंसिल +9n² ठीक 7m² + 9 पहला ही वाला। sec 2x तो √3/c +1/s = 1/s, तो √3 = c/s, c/s कितना होता है cot, यानी cot 2x = cot 2x = √3, 2x would be 30, x would be 30/15, तो cos² 45 1/2। ठीक है भैया, क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग बेस्ड, टोटल टाइम टेकन टू कवर द जर्नी ऑन ऑल 5 डेज टुगेदर, एवरेज, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ बस इज इतना, तो 430, 250, 350, 450 and 540। 538, 8 by 13, 5, 18 for 22, 4 to 6 to 8, 3 11 for 15, 5 20 डिवाइडेड बाय 5, टोटल टाइम एवरेज स्पीड यानी 2020/50.5। चालीस टू इज द रूट ऑफ दिस, टू इज वन ऑफ द, यानी अगर मैं सम ऑफ मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है 34/5 और अल्फा बीटा होता है m/5, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जिसमें से एक की वैल्यू गिवन है, यानी अगर मैं इसको 2 मान लूँ और इसको 2, तो ये गिवन है, तो यहाँ से बीटा आ जाएगा विल बी 34/5 - 2, यानी 34 - 10 हो जाता है 24/5, 2 × 24/5 = m/5, 48। नेक्स्ट इसको बाद में करते हैं, देन इसको भी बाद में करेंगे। ए बी सी स्टार्ट इन्वेस्टिंग इतना, ए इन्वेस्टेड फॉर ए बी सी 4, 7, 8, ये है कितना इन्वेस्टमेंट, टाइम पीरियड कितना है 12, 8 और प्रॉफिट 48, 56, 48,
कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 8 6 जा 8 7 जा 8 6 जा बस टोटल। फाइंड द प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना है 719, यानी 19 इज 7980, तो 7980 अपॉन 19 इंटू 6, 19 4 जा 420 इंटू 6, यानी 6 0 6 6 12 2520। नेक्स्ट रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए टू बी, एफिशिएंसी 6:5 है, एफिशिएंसी है तो टाइम पीरियड ऑपोजिट होता है 5 6। ए अलोन कैन कंप्लीट 30% ऑफ द वर्क इन 4 to the 9 by 2, 30% 9 तो 100 करेगा, 9 अपॉन 2 इंटू 30 इंटू 100 15 दिन में, ठीक है। 6 की वैल्यू किसकी है, 5 की वैल्यू 15 हो गई, तो इसकी वैल्यू 18 हो जाएगी। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क रिमेनिंग आफ्टर बी अलोन वर्क फॉर 4 डेज। कुछ बाद में करते हैं। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ कोन, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द कोन यानी पाई आर स्क्वायर टू इट्स कर्व पाई आर एल 3/7। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 14, ये है 14, तो ये 6 हो जाएगी, देन फाइंड इट्स हाइट 6 14 196 माइनस 36 0 माइनस 36 160, यानी 4 root 10 4 root 10 4 root 10। अरे यार ये इसको, ये 4 root 10 है और ये 6 है। एवरेज ऑफ 16 नंबर इतना है, 16 नंबर का एवरेज इतना है, 4 इज एडेड टू ईच नंबर, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2। कुणाल इज ठीक, प्रभु इज 5 years,
व्हाट इज द एज ऑफ प्रभु 2 years अगो? 29 - 2 27. The following is a pie chart. Total number of marbles in 8 jars. Total number of marbles in 8 jars. Total number of marbles is CJ. J is equal to C plus E plus G. So ABC. 570. फिर क्या है ये? 690 है. और जी क्या है? 620 ठीक है. एवरेज मार्बल्स इन ए बी एफ और एच, ये तो जे हो गया. ए कितना है? 450 540. एफ है 480 और एच 510. ए बी एफ एच 0 515 818 5510 414 51980 डिवाइडेड बाई 4 एवरेज है ना ये? 4416 495. क्या बताना? जे माइनस के 495 10 - 5 5 8 9 8 9 8 3 और 1 5 5 2 10 5 7 35 277. Next, certain sum becomes 2.2 times 2.2 है. बारह परसेंट. हाउ मच टाइम इट वुड बिकम? 3.6 3.16. ट्वेल्व वन जो 12 18. शॉग मार्क्स डिस्काउंट इतना, मतलब 145 इज़ इक्वल टू 100 - 18 कितना होता है? 82 अपॉन 2, तो कट कर लेते हैं 25 से 29 41 18.9 का प्रॉफिट है. क्या है ये? 1 + 1/11. फाइव टू चा 3 चा 5 2 3 4 काफ़ी छोड़े हैं. मैं जल्दी से 52 साइन स्क्वायर इतना 1 - tan² को क्या लिख सकते हैं? 1 - जस्ट अ sec स्क्वायर.
एन अपॉन एस स्क्वायर, इतना यानी सी स्क्वायर कितना होगा, 1 - 7/11, तो 4/11 इंटू 11/4, तो 28 × 4, 8 × 32 = 3, 32 - 1 = 21, 1 1 128 -9/28. OCD बताना है, ये 52 है। देखा जाए तो 52 ही है ये। A plus B together can do a piece of work in 44. B can do same piece of work in 66 hours. LCM कितना होगा, 1 32, 44 3 जा 66 2 जा, तो A का कितना होगा 1, तो A का 1 होगा, तो 132 इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल है ए बी सी, डी इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी, ये कोई डी पॉइंट है, ए डी इज़ द मीडियन एंड ई इज़ द सेम पॉइंट, ये कहता है ए डी है मीडियन एंड ई इज़ द सेम पॉइंट ऑन ए डी सच दैट बी इज़ द बाइसेक्टर, बी इज़ द बाइसेक्टर, एंगल बी ए सी इज 16, ए सी 14 है और ए बी 28 है, बी 28 है, बी सी कितना है 36, यानी ये 18, ये 18 होगा, ए ही बताना है, स्टीवन देखते हैं, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ एम और एन, ओ इज द पॉइंट ऑन अ सेगमेंट एम एन सच दैट एम ओ इज टू ओ एन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एम ओ एंड ओ एन इज 4, यानी 1 is 4, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12. फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स जेड, तो ये 20 हुआ, तो 20 हो जाएगा आंसर इसका, 22 = 40 होगा, 40 बिकॉज ये 20 है, तो ये 40 होगा, तो एक्स जेड भी 40 होगा, 62 हो गया है, 63 रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी की एफिशिएंसी 6:5 है, ए अलोन कैन डू 34 9/2, 30%, ठीक, और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क रिमेनिंग आफ्टर बी अलोन वर्कड फॉर 4 days, बी अगर सिर्फ 4 दिन काम करता है तो एक्स परसेंट होगा, ठीक, तो ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की कितनी है 5 है, 27/30 = 20/x, तो माइनस, तो एक्स वुड बी 200/20,
तो ये इतना हुआ परसेंट। नाइन थ्री जा 270 यानी 470 अपॉन 9। वन सेकेंड, यही तो है ये। इन जार बी नंबर ऑफ मार्बल्स इज 10% मोर देन ए और बी में 10% मोर देन। अगर इसमें 100 हैं तो इसमें 110 होगा। जार सी 20% मोर देन जार बी, तो सी में कितना होगा 110 का 120/100 132। इन डी 25% लेस देन सी, 25% इसका कितना होगा 132 अपॉन 4 करेंगे 4 3 12 3 33, तो 99 जस्ट अ सेकेंड 9। क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ मार्बल्स इन डी इज व्हाट परसेंट लेस और मोर देन दैट ऑफ ए 1/100। हाँ 1%। 65 के बाद 66 क्या कह रहा है, विकास एंड शोभित आर रनिंग इन सर्कुलर, दे बोथ स्टार्टेड एंड रन एट द सेम टाइम अपोजिट डायरेक्शन, विकास कैन कंप्लीट फुल राउंड इन 5 मिनट्स, शोभित कैन कंप्लीट फुल राउंड इन 12 मिनट्स, इन 1 आवर 67। एवरेज नंबर 16, 24, 4 इज एडेड टू ईच नंबर एंड ईच नंबर मल्टीप्लाइड बाय प्लस 4 × 2 यानी 8, 16 प्लस 4 यानी 16, 8 16 × 24 होता है 71। रीजनिंग में भी छोड़ा है ना कई सारे। चार एरो उधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, थर्ड वन गड़बड़ है। 45 और 61, तो 16 आता है और 89 में 16, 89 में 16 जोड़ेंगे तो 105 ही आएगा, तो डिफरेंस 16, 34 + 16 50।
850, 986, 850. ये आता है 34. हाँ अच्छा ओके 34. तो ये कितना आएगा, ये आएगा 136, जो कि 34 × 4 के बराबर है. तो ऐसे ही कुछ होगा, मतलब 45, एक तरीके से 45 × 4 करेंगे अगर, मतलब देखा जाए तो 45 × 4 होता है 180, और माइनस 928 करेंगे तो 748 आना चाहिए. तो ये 748 आएगा. 26 तो नहीं है, मैथ्स ही आते हैं. मैथ्स कहाँ गए यार, काफ़ी छोड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़े हैं मैथ्स में. ये कैसे करेंगे, 1 + 11 + 1 कितना होता है, 11 + 1 मतलब 12/11 इंटू 13/12 इंटू फिर कितना होगा, इंटू 14/13 इंटू डैश 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 1 + 20/21 कितना होता है, 21/20 इंटू 22/21. तो आई थिंक ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट जाएगा, ये इससे कट गया. तो क्या आंसर, 22/11 लग रहा है, ये भी कट ही जाएगा, तो 2 आएगा आंसर. नंबर 60, 63. रेशियो एफिशिएंसी ऑफ ए इज टू बी, एक ए अलोन कैन कंप्लीट 30% ऑफ द वर्क इन, 30% करता है 4.5, तो 100% कितने में करेगा, 15 दिन में. ए इज टू बी, 5:6 टाइम है, ये 15 दिन में करेगा, तो ये करेगा 18 दिन में. बी, फाइंड द फ्रैक्शन वर्क रिमेनिंग इफ बी अलोन कैन डू. बी जो है अलोन फॉर 4 days, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5. बी की एफिशिएंसी 4, मतलब 20 हो गया, 5 × 4 = 20. 6 × 4.5 करेंगे, 27 काम किया, ठीक, और इसने से 20 ही काम किया, टोटल काम कितना है हमारा, 5 minutes.